और नकाब ने तरदीद सबूत पेश किए और कुलभूषण की पाकिस्तान के अंदर तकलीफकारी की कार्रवाइयों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के बारे में मुकम्मल सबूत दिए। और देखेंगे कौंसलर रसाई की जो बात भारतीय वकला की तरफ से की गई है, ये देखिए जो इस हवाले से जो इतराज अदालत में उनकी तरफ से आया है, तो वियना कन्वेंशन के तहत अगर आप देखें तो पहली बार ये हो रहा है कि एक जासूस के लिए, एक दहशतगर्द के लिए, एक तकरीबकार के लिए जो है कौंसलर रसाई मांगी जा रही है। इसकी मसलतें दूसरे ममालक के अंदर भी इस तरह के वाकयात में कभी रसाई इस हवाले से दहशतगर्दों को तो कभी नहीं दी गई, तो इस तरह इस हवाले से भी बड़े मौसर अंदाज में दलाइल पेश किए गए। और दूसरा देखिए जो बात मैं आपके साथ कर रहा था पाकिस्तान के अंदर जो मामला था उनके हवाले से, देखिए हमें भी देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, अगर आप अपनी बात कर ले कभी। देखिए भारत के अंदर, इंडिया के अंदर तो तमाम अपोजिशन मोदी के साथ इस मामले पर खड़ी है, हालांकि वो इलेक्शन में है, सारी सियासी जमातें इलेक्शन में है, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है वो उनका मौकफ वही है जो हुकूमत पाकिस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर भी हो सकता था कि वजीर आजम पाकिस्तान को एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी, और आज जो बयान वजीर आजम ने जारी किया वो पार्लियामेंट के अंदर भी बयान दिया जा सकता था और पार्लियामेंट हमने ठीक है, ज्यादा यकजहती की जरूरत है, ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। इख्तलाफात को एक तरफ रखते हैं आप कि किसके किसके साथ इख्तलाफात है इस मामले पर, कश्मीर के मामले पर, और इस वक्त जो पाकिस्तान दो राय नहीं है को जो खतरात हैं, इस पर पूरा पाकिस्तान एक है, तमाम सियासी जमातें एक हैं, तो इसमें इसमें जोरदार पाकिस्तान के मौकों को पेश करने के लिए वजीर आजम को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चले सर।